तो हे गाइस इस वीडियो में मैं आपको तारक मेहता का उल्टे चश्मा में जो तारक मेहता के बोस हैं उनका रियल नेम है राकेश बेदी तो वो काफी ज्यादा पुराने एक्टर हैं और काफी फेमस कॉमेडियन है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगे आप और कुछ फैक्ट्स तो तो फट फैक्ट नंबर वन तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जितने भी परमानेंट एक्टर्स हैं परमानेंट कैरेक्टर्स जो करते हैं और अब तो ये तारक मेहता के बोस का भी एक तरह से परमानेंट कैरेक्टर हो चुका है तो सबसे जो सीनियर एक्टर है वो यही है

फैक्ट नंबर थ्री राकेश बेदी ने अपना जो एक्टिंग का करियर है वो 1977 में स्टार्ट किया था और इन्होंने सौ से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्मों में काम किया फैक्ट नंबर फोर अगर मूवीज़ की बात करें तो उन्होंने जो कॉमिक रोल्स किए हैं सबसे ज़्यादा वो 1981 में आई चश्मे बद्दूर फिल्म के लिए पॉपुलर हैं और 1984 में आई बिंदिया चमके ही के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं फैक्ट नंबर फाइव तो राकेश बेदी अपने कॉमेडी शोज के लिए भी फेमस है इन्होंने बहुत सारे टीवी शोज किए हैं जिनमें उन्होंने कॉमेडी की है और मोस्टली कॉमेडी शोज ही किया है इन्होंने और इनका शो आता था हम पाँच जो कि काफी पॉपुलर था फैक्ट नंबर सिक्स जेठालाल के बड़े भाई का भी रोल कर चुके हैं ये तो एक सीरियल आता था सोनी टेलीविजन पर हम सब एक हैं तो उस सीरियल में ये जेठालाल के बड़े भाई का रोल प्ले करते थे फैक्ट नंबर सेवन तो इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता हुआ है बेस्ट कॉमेडियन के लिए फिल्म चश्मे बदूर के लिए फैक्ट नंबर एट तो काफी कम लोगों को पता होगा कि ये एक क्लासिकल डांसर भी है ट्रेंड क्लासिकल डांसर है और ये पहले स्टेज पर परफॉर्म भी करते थे तो गाइज आई होप आपको ये एट फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे और बहुत ही कम लोगों को पता होंगे और आपका इनमें से फेवरेट फैक्ट कौन सा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना